आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए सारा भोग, जिसमें फलाहार बनाऊंगी। तो यहाँ पर ली हूँ मैं 1 से 2 चम्मच देसी घी, और उसमें डालूंगी सिंघाड़े का आटा, और इसको अच्छी तरह से हमें डीम फ्लेम पे भूनना है। बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, नहीं आटा हमारा जल जाएगा, स्वाद अच्छा नहीं आएगा हमारे हलवे में। और कोशिश करें कि अगर उनके भोग के लिए कुछ ऐसा बना रहे हों जिस बर्तन में, तो लहसुन प्याज ना बनाओ जिस बर्तन में, वही लें, या अच्छी तरह से धुल के भी ले सकते हैं। इसमें डालनी हूँ मैं चीनी, और चीनी के साथ साथ 250 ग्राम इसमें पानी। पानी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है इस हलवे में, क्योंकि डीम फ्लेम पर अच्छी तरह से जितना ये पकेगा उतना परफेक्ट जमता है और अच्छा लगता है हमारा हलवा। तो उसमें पानी डाल के डीम फ्लेम को इसको पकाऊंगी, और इसको अच्छी तरह से हमें घोट के चलाना होता है। अगर इसमें गाँठे या लम्स बन जाएंगे तो वो उतना हलवा हमारा अच्छा देखने में भी नहीं लगेगा, और खाने में मेरी खाने पे भी, उसको अगर खाते हैं, अगर तोड़ते हैं तो उसमें गाँठे जो टूटेंगे तो उसमें पाउडर पाउडर सा निकलेगा। तो कोशिश करें पानी थोड़ा थोड़ा थोड़ी मात्रा में डालते जाएँ, और उसके बाद चलाते हुए इसको पकाना है ताकि उसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। गाँठे जितनी भी गाँठे दिखे चलाने पे, कई कई बार इसमें गाँठे बन जाती हैं डालते टाइम पानी, तो चलाते हुए सारे गाँठे सारे लम्स को हमें तोड़ लेना है, और अच्छी तरह से डीम फ्लेम पे हमें पकना है। जितना ये अच्छी तरह पकेगा उतना हमारा हलवा टेस्टी लगता है। और यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल डीम करके पकाना है। पानी डाले तो उस टाइम थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, जब पानी गर्म हो जाए अच्छी तरह से और उबाल आने लगे तो हमें फ्लेम को डीम कर देना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पकने देना है, और कोशिश करें कि इसको जब पकाएं तो इस तरह से थोड़ा 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 चलाते हुए, क्योंकि चिपक जाता है उस टाइम भी उतना अच्छा हमारा वो परफेक्ट हलवा नहीं बनता है। तो इस तरह से हमें चलाते हुए पकाना है, ये देखिए, और तेज़ भी फ्लेम को नहीं करना है। जब जितना ये गाढ़ा होगा उबाल आएगा इसमें तो उछलता है, बहुत तेज़ से उछल उछल के पकता है, तो जलने का भी इसमें डर रहता है। उछाल मार के पकेगा तो बिल्कुल केयरफुल होके हमें पकाना होता है। और देखिए हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, उतना वैसा नहीं इसको हम जमा सकें, पर काफ़ी हद तक ये पक चुका है। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा घी, अच्छा खुशबू और अच्छे स्वाद के लिए। यहाँ पे ज़रूरी है नहीं, अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हैं, पर यहाँ पर थोड़ा डालेंगे तो और भी अच्छा खुशबू आएगा। जैसे कि सबको पता है कि लड्डू गोपाल जी के भोग में हम उनको दूध की दही की चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो इस तरह से दूध दही घी, तो थोड़ा सा देसी घी में ही हलवा और उनका भोग सारा तैयार करेंगे, जो भी प्रसाद बनाए। ये हमारा हलवा बन चुका है, प्लेट में अच्छी तरह से कोई घी वगैरह लगा के हम ठंडा होने के लिए फैला देंगे किसी थाली प्लेट में, इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जितना ही अच्छा ठंडा होता है उतना अच्छा इनमें स्वाद भी आता है, और कटेगा भी अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा रेस्ट के लिए रूम टेम्परेचर पर साइड भी रख देते हैं। हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम कट कर लेंगे। जो भी सेब देना चाहे यहाँ पे सेब दे सकते हैं, थोड़ा सा उस पर जो भी ड्राई फ्रूट हो घर में ऊपर से डाल सकते हैं, और डालने के बाद इस तरह से कट कर लें। मैं इसमें और ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं डाली हूँ, क्योंकि अलग से भी उनके भोग में ज़्यादा ड्राई फ्रूट वगैरह जाएगा। सिर्फ यहाँ पर नारियल का पाउडर डाली हूँ, जो नारियल का बुरादा आता है वो, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से कट कर लें। देखिए कितने अच्छे से हमारा उनका भोग एक तैयार हो गया है। उसके बाद हम तैयार करेंगे सारी चीज़ें, यहाँ पे पंजीरी वगैरह, धनिया का